उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जहाँ एक और अगर इसी एक सप्ताह की बात मैं करूँ तो जयपुर के अंदर जो कल की घटना है जम्मा रामगढ़ की, महिला की बुरी तरह लाश का मिलना, छबड़ा में नाबालिग किशोरी की लाश का मिलना और जयपुर के स्कूल जा रहे 13 साल की बच्ची का सरेराहा अपहरण हो जाना, पाली में एक 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म हो जाना, भरतपुर केतवाड़ा के अंदर सरकारी क्वार्टर में थाना अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में महिला से दुष्कर्म हो जाना और अभी 4 दिन पहले सीकर के रामगढ़ की वो घटना, बच्ची से बलात्कार और बलात्कार के बाद उसकी लाश को कुएं में फेंक देना, लोगों का आंदोलन करना और फिर भी न्याय नहीं मिलना, ये घटनाएं हम आए दिन देख रहे हैं। आज ऑपरेशन बेटी बाजार का एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान शर्मसार है जो टोंक में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी और भीलवाड़ा के अंदर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को वस्तुओं की तरह बेचा जा रहा है। इसी सरकार ने जब भीलवाड़ा के अंदर पहले घटना हुई थी स्टाम्प पर महिलाओं को बेचने की, जब ऑपरेशन गुड़िया चलाने का काम किया था, उस समय इन्होंने दावा किया कि हमने 24 महिलाओं को बरामद किया जिनका विक्रय हो रहा था। ये ऑपरेशन गुड़िया भी फेल हो गया। ये सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला दुष्कर्म के अंदर दोषी इसलिए है कि ये पहली सरकार है जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने पूर्णकालिक गृह मंत्री अपने पूरे कार्यकाल के दरमियान किसी को दायित्व नहीं दिया, खुद ही गृह मंत्रालय को संभाले रहे। और ये भयक्रांत मुख्यमंत्री जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति के बार बार आने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति आना बाकी है। ये हमारे संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख पर इस प्रकार की टिप्पणी। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा वीजा सिस्टम लागू कर रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को आने के लिए सरकार से वीजा लेना पड़े। एक कृषक परिवार का एक व्यक्ति, एक किसान परिवार का बेटा अगर उपराष्ट्रपति के पद पर जाता है तो राजस्थान का मान बढ़ता है, पर शायद उनको ऐतराज है उनकी, उनके आने पर, उनकी विजिट पर। तो अभी मैं देख रहा था इन दिनों के अंदर, इन महीनों के अंदर वो कहां कहां आए, वो मालपुरा जोबनेर के अंदर उस कृषक परिवार को जिसने 1100 बीघा जमीन कृषि अनुसंधान के लिए अपनी दी, उस परिवार को सम्मान देने आए, तो शायद मुख्यमंत्री जी को ऐतराज हो सकता है। उपराष्ट्रपति जी तेजा जी के निर्माण स्थल पर खरनाल पर आए तो मुख्यमंत्री जी को ऐतराज हो सकता है, बताएं किस बात पर ऐतराज। वो नाथूराम जी मिर्दा किसान केसरी रहे, 100 साल पूरे होने पर उनकी मूर्ति का अनावरण करने आए तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। बीकानेर के अंदर 3 दिन पहले महामारी राजस्थान की मूंगफली का अलग से ब्रांड बने, उस पूरे कार्यक्रम के अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन पर आए तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। मिलेट अनुसंधान केंद्र के लिए देश का दूसरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में बने पर उपराष्ट्रपति जी आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। MNIT में उपराष्ट्रपति आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। कोटा के अंदर छात्र आत्महत्या करते हैं, उपराष्ट्रपति जी छात्रों से साक्षात्कार करने आते हैं तो मुख्यमंत्री ऐतराज करते हैं। धन्ना भगत के जन्म स्थल पर आते हैं तो उनको ऐतराज की बात है। कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनके ऐतराज की बात है। और फिर ये कहते हैं कि वो मेरे मित्र है, तो वो फिल्म का गाना दुश्मन ना करे, दोस्त ने ऐसा काम किया उम्र भर का गम में इनाम दिया है, मुझे तो उसके याद आते। मैं समझता हूं कि अपना बयान उनको वापस लेना चाहिए। बयान वापस लेना कोई बड़ी बात उनके लिए इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे इस जुडिशियरी पर, उन्होंने न्यायपालिका पर एक टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी करके अपना बयान वापस लिया था। अपनी हार से भयक्रांत मुख्यमंत्री जी को जब कभी भी कोई हमारे संवैधानिक प्रमुख आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री आए, उनको ऐतराज रहता है। मैं समझता हूं कि अगर वो इस बात का जवाब दे देते, उन्होंने जिनको प्रभारी बना रखा है, रंधावा साहब को प्रभारी बना रखा है, वो सरकारी कार्यक्रम में कोटा के अंदर उद्घाटन में किस हैसियत से लेकर जाते हैं, उनको महंगाई राहत कैंपों का उद्घाटन किस प्रकार कराते हैं, खुद गैर संसदीय काम करना ये उनकी फितरत में रहा है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट आएगा,
चुनाव आयोग राजस्थान में आया हुआ है, हम भी जाकर अपनी बात कहेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर रहते हैं, इनकी विजिट सरकारी विजिट हो सकती है, तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत अपने बयान को वापस लेना चाहिए। बयान वापस नहीं लेंगे तो हम व्यक्तिगत तौर पर भी इस बयान को वापस लेने के लिए सारी वैधानिक भी कार्रवाई करेंगे और जनता के बीच में इस बात को लेकर जाएंगे। अभी जिस सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने गंभीर टिप्पणियां की है, रोज प्रति सप्ताह एक निर्भया कांड आकार राजस्थान में ले रहा है। अब राजस्थान में जो कांग्रेस जिसको अपना कल्चर कहती है, ना कांग्रेस के पास अपना कल्चर बचा है ना वर्कर बचा है। कांग्रेस एक विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से उस विज्ञापन एजेंसी जिस एजेंसी को 2000 करोड़ पे खर्च करके प्रतिदिन विज्ञापन जारी कर रहे हैं, उस विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से चुनावी मैदान में है और इस बंदरबाट इस प्रकार की कर रही है। बिना वित्तीय प्रावधान के नित नई घोषणा हो रही है। राजस्थान हाई फिजिकल स्ट्रेस में आ गया। जीडीपी का 46% हमने कर्जा ले लिया। राजस्थान की इकोनॉमी इस सरकार जाते जाते पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बनाकर जाने के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान में किसान कर्मचारियों को जो इन्होंने कहा था हम जीपीएफ की सुविधा देंगे, पीएफआरडीए में जो पैसा 42,000 करोड़ का रुपया जमा है वो एक्ट के तहत जमा है। ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने पर इन्होंने जो वादा किया था वो वादा ये पूरा नहीं कर पा रहे। आज हालत ये बन गई कि वो 42,000 करोड़ रुपया जिसमें आधा पैसा कर्मचारियों का है वो जीपीएफ में जमा होना चाहिए था, वो जमा नहीं हुआ। जीपीएफ की सुविधा कर्मचारियों को नहीं मिल रही। और अब तो जो बोर्ड बने हुए हैं अभी इन्होंने 101,000 करोड़ रुपए रिको से ले लिए। आरटीडीसी से 1500 करोड़ रुपए आरटीडीसी के सारे यूनिट्स को मॉर्गेज करके उससे लोन ले लिया। हाउसिंग बोर्ड में 1000 करोड़ रुपए ले लिए। और हम आर्थिक आपातकाल की तरफ इस सरकार बढ़ चुकी है। ये सब कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं के बीच के अंदर जिस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था है, एडीजी क्राइम कहते हैं कि हमने पहले ऑपरेशन गुड़िया चलाया था, अब ये बड़ा राजस्थान में ये हो रहा है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में बहन बेटियों को बेचा जाना, मंडी लगना, ये राजस्थान के माथे पर कलंक है। हम इसकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर आने वाले समय के अंदर जनता की अदालत में जाएगी। और निश्चित तौर पर आज मुख्य तौर पर इन्हीं दो बातों पर, एक तो जिस प्रकार संवैधानिक प्रमुखों पर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस पर, और ये जो कानून व्यवस्था उस पर, और राजस्थान की इकोनॉमी को जिस तरह बद से बदतर करते जा रहे हैं, बिना बजटीय प्रावधान टेलीफोन बांटने की घोषणा की, 1,35,00,000, फिर 40,00,000 पर आए, अरब 18,00,000 पर आए, अन्नपूर्णा किट से लेकर अब ये सिर्फ इन्होंने, अगर बजटीय प्रावधान देखोगे तो ये योजना एक एक साल के अंदर 4,000-5,000 करोड़ की योजना में इन्होंने 200-300 करोड़ का प्रावधान किया, वो पैसा भी नहीं हुआ। तो इन्होंने अलग अलग आरटीडीसी, हाउसिंग बोर्ड और रिको से लेकर उसका काम करना चालू किया, क्योंकि बजटीय प्रावधान ही नहीं है। योजना है यकायक अपने आप ही बंद हो जाएगी, और जब आचार संहिता आ जाएगी उसके बाद ये कह देंगे कि आचार संहिता आ गई इसलिए इस योजना को हम आगे नहीं बढ़ा रहे। ये सपने बेचने का काम है और सपने बेचने वाली सरकार को राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुर्सी नहीं छोड़ती, जनता इनकी कुर्सी के पाए तोड़ने के लिए बेचैन है। बहुत बहुत धन्यवाद।